शुरू कर लें जी? जी जी शुरू कर लें। ऑल राइट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम और बहुत मेहरबानी सब लोगों की कि आप तशरीफ़ लाए। आज एक इंतहाई हसास मसले के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं और दिल से बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये तकलीफ़ का मकाम है कि हमारे जो रियासती आका हैं वो किस तरीके से इंसानी मसाइल को भी सियासी लुबादे में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इन द प्रोसेस उन्होंने लोगों की ज़िंदगियां जो है उनको जेपरडाइज कर रहे हैं। ये मसला जो हम आपके सामने आज पेश करना चाहते हैं, ये पीटीआई फैमिली के लिए इंतहाई हसास मसला है और इसने बहुत सारे दिलों को तकलीफ़ दी हुई है और बहुत मुश्किल से जो क़्यादत है वो एक लेवल ऑफ पीस को कायम रखे हुए है। बात हम करना चाह रहे हैं बुशरा बीबी, इमरान ख़ान साहब की बेगम साहबा की ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक हैं और जो वक़्त गुजरने के साथ साथ रादतन के उनका अजाला किया जाए बल्कि और भी सिचुएशन जो है वो गंभीर होती जा रही है, क्योंकि रियासत जो है और रियासती आका जो हैं वो इसको इंसानी बुनियादों के ऊपर एड्रेस करने की बजाय उनको सियासी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मसला हल होने की बजाय और ख़राब होता जा रहा है। मैंने अपने साथ तीन लोगों को और तकलीफ़ दी है, हमारे सेनेटर साहब हैं, हुमायूं मोमेंट साहब डॉक्टर हैं, नईम पंजोता वकील हैं और अभी आ जाएंगी, हमें ज्वाइन कर जाएंगी कमल शोज़फ़ साहिबा जो हमारी MNA रही हुई हैं और वो बीबी के साथ और उनके मसाइल के साथ बड़ी उनकी करीब से उन्होंने उसका मुलाहिज़ा किया है और वो उसको देख रही हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मोमन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक इसका मेडिकल अप्रेजल जो है वो आप सब लोगों के सामने पेश करें। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। थैंक यू फर्स्ट ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इया का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए इस तरह है, जो रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन हुई थी और ये याद रखें ये इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 2 माह से ज़्यादा वक्त के बाद हुआ था। अच्छा, एक मेडिकल टर्म में इनको जो जिस एज ग्रुप में बुशरा बीबी हैं वो यंग कहलाती हैं और उनकी अगर कोई पहले से हिस्ट्री ना हो तो उसमें कोई और चीज़ को ऐड करना कि इस वजह से हुआ है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब उस इन्वेस्टिगेशन में जिसको ये लेकर जा रहे हैं उसमें दो चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एंडोस्कोपी ख़ासतौर पे की गई है। एंडोस्कोपी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप एक ट्यूब पास करते हैं और आप अंदर से मैदे को देखते हैं और अंदर से जो आप ये समझ लें कि जो खाने वाली नाली है उसको आप अंदर से मुलाहिज़ा करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें दो चीज़ों को उन्होंने ज़िक्र किया, एक उन्होंने कहा है कि एसोफेजाइटस, वो जो मैदे से ऊपर जो ट्यूब होती है उसको हम एसोफेगस कहते हैं, उसके लोअर हिस्से में एसोफेजाइटस मींस के वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हुई है। इन्फ्लेमेशन को दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि वहाँ पे कोई चोट लगी है या कोई एसिड गया है या कोई एल्कलाइन या कोई ऐसा केमिकल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसने उसके ऊपर के लेयर को जला दिया, दुखा दिया। फिर दूसरे उन्होंने कहा है कि उनके जो स्टमक के अंदर की लेयर है वो भी इन्फ्लेम्ड है और स्वोलन है। अब इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। ये याद रखें, रिपोर्ट के नीचे हमेशा लिखा होता है कि आप इसको क्लिनिकली इवैल्यूएट करें कि ये जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसके क्लिनिकली जो मरीज़ अपनी बता रहे हिस्ट्री बता रहे हैं उसके साथ कहीं कोरिलेशन तो नहीं है। अब जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो मरीज़ कहता है मुझे एक खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ गई है कि उस खाने के बाद फौरन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने कहा कि उसमें एक दो जो नॉर्मल हाउस होल्ड चीज़ होती है, हारपे किस किस्म की चीज़ है, उस तरह की कोई चीज़ किसी ने उनको कहा है कि यह दी गई है। अच्छा, वो अगर हम जनरली देखा जाए तो जो जो चीज़ें आपको हम एज अ पॉइजन कर सकते हैं उसमें एसिडिक हो सकता है, एल्कलाइन हो सकता है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें ये कॉमन चीज़ें जो दी जा सकती हैं
अब हुआ ये था कि जब इन्होंने दिया और इनका ख्याल था कि खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है, बचाने वाले भी है, लेने वाली भी है, अल्लाह ताला ने उनको बचाया, तो जब उन्होंने कंप्लेन की तो इन लोगों को डर लग गया, ये पकड़े गए सारे। तो जब पकड़े गए, इन्होंने 2 माह से ज़्यादा अरसे तक कोई टेस्ट होने नहीं दिया, और उसकी वजह ये थी कि अगर उस वक्त टेस्ट हो जाते तो जो आज एंडोस्कोपी में नज़र आ रहा है वो इससे शायद 10 गुना 20 गुना ज़्यादा नज़र आता। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं, हिस्ट्री को सामने रखते हुए इन टेस्ट की जो चीज़ें नज़र आ रही है, मैं समझूंगा कि कुछ हुआ था। ठीक है, ये याद रखें कि ये टेस्ट, ये जो चीज़ें, ये आपको बता सकती हैं कि और भी वजूहात है, लेकिन ये पॉइजनिंग को एक्सक्लूड नहीं कर सकती। ये पॉइजनिंग इसकी वजह से या पॉइजनिंग की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ये डेफिनेटली हो सकती हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री लूँ मरीज की और मैं इन टेस्ट को देखूँ 2-2.5 महीने बाद हैं, तो मैं ज़रूर इस चीज़ की तरफ जाऊँगा कि शायद पॉइजनिंग या पॉइजनिंग के बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। तो इस लिहाज से हाँ, उस वक्त अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उस वक्त ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से लिवर नेक्रोसिस भी हो जाता है, इसकी वजह से और सारी चीज़ें होती है, आपको बहुत सारे टेस्ट पहले 24 आवर्स में करवाने पड़ते हैं। तो अगर एज अ डॉक्टर जब मैं इन चीज़ों को देखूँ और इन चीज़ों को इवेलुएट करूँ, तो मैं पॉइजनिंग को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। खाली रिपोर्ट 2.5 महीने बाद मीन्स नथिंग। अगर आप इसको अपनी हिस्ट्री के साथ करके देखें और उस वक्त कोई फिजिकल एग्जामिनेशन सारी चीज़ें होती, तो फिर उसके लिहाज से हम कर सकते थे। तो मेरे लिहाज से ये एक बहुत संजीदा मसला है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों को बहुत सख्त तशवीश है। और ख़ासतौर पर ये याद रखें कि इमरान खान ने जो कहा है, जो बातें की हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसके अंदर एक वो जो होती है ना पठान की फितरत जो होती है ना, वो कहते हैं मुझे जो मर्जी करते हो कर लो, मैं बर्दाश्त करता रहूँगा, लेकिन जिस दिन मेरे घर में घुसे उस दिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी एक फितरत है। जितने भी पठान हैं आप उनसे पूछ ले, एक दफ़ा उनके घर में घुस के देखा, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, या मर जाएंगे या मार देंगे। वो इस किस्म के लोग होते हैं पठानों की। तो इन चीज़ों के लिहाज से जब आप हमारे घरों में घुसने शुरू हो जाएंगे और जब आप हमारे घर की ख़वातीन को जहर देने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, तो वो बड़ा सीरियस मसला हो जाता है। और इसको हम सब लोगों को, आपको, हम सब लोगों को, हमें इसको सीरियसली करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इनको प्रॉपर तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इनको हम लोगों ने देखा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब प्लेटलेट्स गिर रही थी तो उन्हीं के डॉक्टर आके उनको देख रहे थे, उन्हीं के डॉक्टर उनके इलाज कर रहे थे, और उसी के लिए वो बाहर चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, गए थे 10 दिन के लिए, आए 4 साल बाद है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी ट्रीटमेंट वहाँ से क्यों नहीं हो सकती? हम तो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाना चाहते, हम कहते पाकिस्तान के अंदर ही कराओ, लेकिन वहाँ से कराओ जहाँ हमें एतबार हो डॉक्टर के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बेशक अपने साथ लोग बिठा ही रखो ना, आपके भी डॉक्टरों करके देख लें। इंग्लैंड में तो कोई हमारे डॉक्टर नहीं थे, वहाँ पे तो जाते साथ ही, बल्कि जूं ही जहाज़ में चढ़े थे प्लेटलेट ठीक हो गए थे। तो वाई नॉट दिस थिंग? सो इस चीज़ के लिहाज से मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ों को देख के मुझे थोड़ी सी तशवीश है इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, कि ये जो चीज़ें, ये शायद इसके अंदर कोई फाउल प्ले हो। थैंक यू मोहम्मद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। काफ़ी देर तक बनीगला के अंदर रही है और उसके बाद वो तेज़ी से बाहर निकल गई। हमारे कुछ लोगों को पता चला तो वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने उस एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। उसके बाद दोबारा से लेट नाइट एक और एम्बुलेंस जो है वो आई, उस वक़्त तक हमारे लोग भी वहाँ पहुँच चुके हुए थे, और वहाँ से भी हम लोगों ने इन्होंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं आप हमें बता रहे। उनकी फैमिली के जो लोग थे उनको भी आगाह किया गया, वो भी ऑब्वियसली कंसर्न थे जहाँ जहाँ भी वो थे। लेकिन गैर इंसानियत का आलम यह है कि उन्होंने किसी फैमिली मेंबर को या किसी पार्टी मेंबर को किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग देने से एतराज़ किया, और वो उसको अवॉइड करते रहे। बिकॉज़ जैसा कि सेनेटर मोहम्मद साहब ने कहा है कि यहाँ एक जुर्म किया गया है और उस जुर्म को छुपाने की नाकाम कोशिश हो रही है। सो दो लोग हमारे जो कि कल रात को बनीगला में मौजूद थे, एक मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर बैठे हुए हैं नईम पजोता साहब, ये मौजूद थे, और हमारी
लेडीज़ की प्रेसिडेंट जो है कमल शोज़फ़ साहबा वो भी वहाँ मौजूद थी, मेरा ख्याल है सुबह अली आवस तक वहाँ ये मौजूद रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि नईम पहले ब्रीफ़ कर दें ज़रा आपको कि इसके जो कल क्या हुआ, और फिर उसके बाद फिर मैं कमल को कहूँगा कि वो इसको बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों का, आप तशरीफ़ लाए, रऊफ़ साहब ने मौका दिया। देखें, पहली बात तो आपको बताना चाहूँ कि बुशरा बीबी साहबा को जिस वक्त गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त बुशरा बीबी साहबा की सेहत बिल्कुल ठीक थी, ना उनको कोई मैदे का कोई प्रॉब्लम था, ना उनको कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम था, ना उनको किसी किस्म की कोई ब्लड प्रेशर की या किसी किस्म का कोई भी उनको बीमारी थी। तो ये सारी सूरत हाल जो आज आप देख रहे हैं, रात जो सूरत हाल हुई, जो इससे पहले 2 महीने हो गए हम चला रहे हैं कि उनके टेस्ट करवाए जाएं, इसलिए लेट किए गए कि वो जो जहर का असर है वो अंदर से ज़ायल हो। और रात की जो सूरत हाल हुई उसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि रात को बग़ैर इतला के एम्बुलेंस बीमार डॉक्टर्स वहाँ पर पहुँचे, हमें कोई नहीं बताया गया, उनकी फैमिली को कोई नहीं बताया गया, जो कि उनका हक था बताना कि उनकी तबीयत ख़राब है। और बाद में हमें एक सोच से पता चला कि दिन में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी लेफ़्ट साइड जो है वो सीने में, और उस वजह से दिन को डॉक्टर्स की टीम थी, 2 लेडी डॉक्टर्स थी या 3, वो गए वहाँ पर, उन्होंने उनका चेकअप किया और उसके बाद जो भी उन्होंने मेडिसिन दी शायद उसके ऊपर उन्हें आराम नहीं आया, तो लिहाजा उनकी तकलीफ़ बढ़ी, जिसकी वजह से रात को दोबारा डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर गई और दोबारा वहाँ पर उन्होंने जाकर जो भी चेकअप किया, जो भी मेडिसिन दी, हमारा हक था, उनकी फैमिली का हक था कि बताया जाता, लेकिन वहाँ से गाड़ी रोकने की हमने कोशिश की कि डॉक्टर्स बताएं, वो गाड़ी रोक के हमें पता चले, लेकिन उन्होंने गाड़ी टक्कर मार के वहाँ भगा कर ले कर निकल गया और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अभी तक हमें कोई इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उनकी सेहत के हवाले से क्या कल ऐसी सूरत हाल पेश आई। इसमें आपको बताना चाहूँ कि देखें, पिम्स हॉस्पिटल की तरफ से एक वो अलामिया कहते हैं या उनका बयान है, वो एक जारी किया गया है। उस बयान के अंदर वो कहते हैं जी कि उनकी तरफ से हमें ये चेस्ट के हवाले से पेन और उसके साथ साथ मेदे के हवाले से उन्होंने जलन के हवाले से हमें शिकायत की, जिसके ऊपर हम जाकर गए हैं और हमने बेहतर लाइफस्टाइल और मेदे के हवाले से कुछ टेस्ट और अच्छा खाना जो है वो तजवीज़ किया है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हम जो बातें कर रहे हैं वो बातें उन्होंने तस्लीम कर लीं, हम जो कह रहे हैं वो उन्होंने तस्लीम कर लीं कि वाकई ही उनकी तबीयत जो है ख़राब थी और वो ये शिकायत कर रही थी। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जो लोग, जिन लोगों ने गिरफ़्तार किया हो, जिन लोगों ने केसेस बनाए हो, उनकी कस्टडी के अंदर किस तरह से इलाज जो है वो ठीक हो सकता है। हम फिलफौर मुतालबा करते हैं, हम फिलफौर कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल शौकत खानम हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए और उनके डॉक्टर की जो है सरपरस्ती में वो उनका इलाज करवाया जाए, और जिन लोगों ने जहर दिया है उनकी निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई का हम मुतालबा करते हैं। थैंक यू पंचौथा, वेरी काइंड ऑफ यू। कमल, चेयर चेंज करना ठीक है। और जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिस तरह डॉक्टर हुमायूं साहब ने और रऊफ हसन साहब, नईम साहब ने आपको बताया है बुशरा बीबी की जो सिचुएशन है उसके हवाले से, मैं कुछ थोड़ी सी और भी बात करूंगी, क्योंकि मौजूदा टाइम में रिजीम चेंज के बाद आपने पाकिस्तान में ये रिवायत पढ़ती देखी है कि ख़वातीन की टारगेटिंग किस तरह की जाती है। मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है। मैं दावे से कह रही हूँ कि आप में से किसी ने बुशरा बीबी को कभी ट्विटर पे नहीं देखा, किसी और सोशल मीडिया के फोरम पे नहीं देखा, किसी पॉलिटिकल फोरम पे बैठ के पॉलिटिक्स करते नहीं देखा, तो क्या वजह है कि उनके साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है? क्या वजह है कि साबिक वज़ीर आज़म की जो अहलिया हैं, साबिक खातून अव्वल, जिन्होंने इवन खातून अव्वल होते हुए भी कोई स्टेट के प्रोटोकॉल्स इंजॉय नहीं किए, आपने उनको किसी तकरीबात में नहीं देखा होगा कि वो आई हों या उन्होंने कोई सियासी बयानात दिए हों, और उनके साथ साथ आप ये देखें कि बाकी खवातीन भी, दीगर खवातीन भी, हमारे जो चेयरमैन हैं उनकी बहनें भी,
आज तक उन्होंने कभी किसी भी सियासी मामलात में दखलंदाजी नहीं की, ना किसी पार्टी के ओहदे को इंजॉय किए, ना सेनेट में, ना नेशनल असेंबली में, ना किसी सूबाई असेंबली की वो रुकन है। तो क्या वजह है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? वजह सिर्फ ये है कि दरअसल निशाने पे इमरान खान है। जिस तरह हुमायूं मोहम्मद साहब ने बताया है कि गैरतमंद इंसान है, उनके घर की उन पर्देदार खवातीन, उनकी बीवी को जिस वक्त टारगेट किया जा रहा है, उनको तकलीफ़ दी जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, तो मकसद सारा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से NRO लेना है, कैदी नंबर 804 से NRO लेना है। क्यों और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने इस पाकिस्तानी अवाम के लिए हकीकी आज़ादी का ख्वाब देखा है, इस अवाम को शऊर दी है, नौजवानों को ज़बान दी है, हमारे हकूक़ की बात की है, ख़वातीन को सियासत में मकाम दिया है। आज यहाँ पर लीमा बाजी नहीं है, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट कमल शौजब इसलिए बैठी है क्योंकि वो उसकी पार्टी की रुकन है। यहाँ पे रऊफ़ हसन साहब बैठे, उनके ख़ानदान का कोई बंदा नहीं बैठा। आप इस वक्त असम्बलियों में ज़रा नज़र दौड़ाएँ, इस वक्त आप देखें अपनी हुकूमतों में चाचा भतीजी बेटे बेटियाँ, वो जनाब अनकंटेस्टेड आसपा भुट्टो साहिबा तशरीफ ला रही हैं, फर्स्ट लेडी का स्टेटस उनको दे दिया गया है। पाकिस्तान के हर असेंबली में आपको आपको मौरूसियत नज़र आएगी, लेकिन एक पार्टी है जिसका लीडर ने जो कहा है वो करके दिखा रहा है। ये वजह है कि बुशरा बीबी को तड़पाया जा रहा है। क्या बात थी कि 2 महीने तक उनके टेस्ट नहीं किए गए? क्यों नहीं किए गए? जब पहली दफ़ा भी नईम पंजोता ने भी आके बात की, बाकी सब ने, हम सब ने बारहा ये उजागर किया कि उनके वो बता रही हैं कि मुझे तकलीफ़ है, मेरे हलक से कोई पानी तक नहीं उतारा जा रहा। इतनी टॉर्चर करना, इतना तकलीफ़ देना, ये सिवाय इसके कि कोई नीच दुश्मन ही कर सकता है कि घर की औरतों को इस तरीके से टारगेट किया जाए, घर की पर्देदार खातून को आप सियासत में घसीटें। पहले इद्दत जैसे घटिया शर्मनाक केसेस में उनको नॉमिनेट किया गया, और इन केसेस की क्या हकीकत है? इन केसेस की हकीकत साबिक इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़े खुल के बता दी है, जिसके दौर में ये केसेस बनते रहे, जो राणा सनाउल्ला के दौर में जिनमें ये केसेस बनते रहे, जिस वक्त ये पपकियाँ कसी जाती थी, साबिका खातून अव्वल के नाम पर इतने बड़ी बड़ी दास्तानें और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, आज उसने आके बता दिया है कि अगर इमरान खान साहब किसी टेबल पे बैठ जाएं, हमारे साथ डील कर लें, तो ये सारे केसेस ख़त्म हो सकते हैं, वो आराम से बाहर आ सकते हैं। तो अगर इमरान खान साहब के तमाम केसेस सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खातून अव्वल बुशरा बीबी, जो एक गैर सियासी घरेलू पर्दादार एक इज़्ज़तदार खातून है, उसके ऊपर जिस किस्म के बेहुदा चार्जेस लगाए गए, जिस तरह के इल्ज़ाम और केस लगा के उनको कैद हबसे बेजा में रखा गया, ज़बरदस्ती उनको बंद किया गया है, नज़रबंद किया गया है, उनको इस वक्त सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, कोई उन तक पहुंच नहीं सकता, उनकी तबीयत ख़राब हो तो हमें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या अंदर सलूक हो रहा है, डॉक्टर्स की टीम जाती है, हमें यही नहीं मालूम है कि वो किस लिए गई है और क्या ट्रीटमेंट करके आ रही है, किस कदर उनकी तबीयत ख़राब थी, कितनी तशवीशनाक हालत थी, क्यों उस खातून को इतना टॉर्चर किया जा रहा है? सिर्फ निशाने पर इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान से ये डील करनी है कि तुम इस अवाम को आगाही ना दो, इसके हकूक़ की बात ना करो, गरीबों के लिए कोई काम मत करो, इस मुल्क की जो इकोनॉमिक्स थी उसको टर्न अराउंड करके 6.1 ग्रोथ रेट पे ना लाओ, और उसके अलावा इंडस्ट्री को ना चलाओ, गरीब किसान की फ़िक्र करना छोड़ दो, अपने नौजवानों को फ़िक्र करना छोड़ दो, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों बुलंद करते हो, जाके तस्बीह पकड़ के क्यों जाते हो, क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह जाके अक़्वामे मुत्तहिदा में करते हो, ये सब कुछ बंद कर दो। और उस सब के लिए टॉर्चर किसको किया जा रहा है? बुशरा बीबी को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं यहाँ सवाल पूछती हूँ, आपके 6 सीनियर जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर लिखा है कि हम अपने फैसले सही तरीके से नहीं दे पा रहे, मुदाखलत हो रही है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, तो क्या उसी दौर में, उसी वक्त में जब जजेस कह रहे हैं कि हम इंसाफ नहीं दे पा रहे, क्या डॉक्टर्स आपको सही रिपोर्ट दे सकेंगे? वो डॉक्टर जिनको अपनी मर्जी से, जो बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से ले जाया गया है, अपनी मर्जी के डॉक्टर से जाके चेकअप कराया गया है, और फिर अपनी मर्जी के रिपोर्टें दे के और सारा सारा दिन प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्या वजह है कि रात को 11 बजे जो है नहीं वो रुकी एम्बुलेंस, और वो डॉक्टर्स वहाँ से तेज़ी से निकल गए और किसी को बताना पसंद नहीं किया कि क्या हो रहा है? क्या वजह है कि बुशरा बीबी अंदर बनीगाला में अगर मौजूद थी तो हमें क्यों एक्सेस नहीं दी गई, क्यों हमें बताया नहीं गया, उनकी फैमिली को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया कि वो जाके मिलें, देखें, तसल्ली करें? जिनके ज़िम्मे हैं वो, जिनकी कस्टडी में है वो जिम्मेदार हैं,
अगर इस वक्त उनके साथ कुछ भी ऊपर नीचे होगा, जिस तरह हमारे लीडर ने बात की है कि फिर जो जिम्मेदारान है उनको जवाब देना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो, लेकिन हालात और जो उनकी जो तबीयत की नासाजी है और जो उनकी फैमिली रिजर्वेशंस उठा रही है, और जिस तरीके से चोरों की तरह आधी रात को ये जो शबो खून मारा जाता है, खामोशी से जाया जाता है, पता नहीं कौन से डॉक्टर्स को ले जाया जा रहा है और क्या ट्रीटमेंट की जा रही है, उसके बाद शदीद हमें हम मुतालबा करते हैं कि इनको उनको शौकत खानम में उनका इलाज होना चाहिए, और ये जो तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और फस्ताइयत के नतीजे में उनके ऊपर बेहुदा किस्म के केसेस बनाए गए, ये ख़त्म होने चाहिए और उनको आज़ाद किया जाए, उनको हब से बेजा में ना रखा जाए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपने ख़वातीन के ही ज़रिए अपनी सियासी इंतकाम सेटल करने हैं, तो फिर उनको अडयाला में शिफ्ट किया जाए। क्यों उनको बनीगाला में इस तरीके से रखा गया है जहाँ पे कैमराज लगाए गए और उनको टॉर्चर किया जा रहा है? तो हमारा ये मुतालबा है कि बुशरा बीबी के साथ इंसाफ किया जाए, जिसकी हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे, ये हमारा कानूनी और आइनी हक है। इस मुल्क में आइन को मुअत्तल किया गया है और जमहूरियत की बसात लपेटी गई है, और सज़ा किसको दी जा रही है? जिन्होंने मुल्क में जमहूरियत की आवाज़ उठाई और जमहूरियत को इस्टेब्लिश किया है, और उसके सिलसिले में सारी टारगेटिंग घरेलू ख़वातीन को की जा रही है, चाहे वो खान साहब की बहनें हो या उनकी बीवी हो, तो हम स्ट्रांगली या उनकी कारकुनान हो, तो हम यहाँ पर डिमांड रखते हैं कि बुशरा बीबी का फौरी तौर पर इलाज उनकी मर्ज़ी से उनके डॉक्टर से किया जाए, ओपन किया जाए, उनको शौकत खाना में एडमिट कराया जाए और उनका वहाँ प्रॉपर तरीके से इलाज हो। थैंक यू। देखिए दोस्तों, जुल्म की रात जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। जुल्म की रात हमने बर्दाश्त कर रहे हैं, दो साल से कर रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म होगी। जैसा कि कबल ने कहा है कि खान साहब का की आवाज़ जो है, उनका जो उन्होंने जो मैसेज दिया था, वो हमारे दिलों में और पीटीआई की तमाम फॉलोअर्स, वर्कर्स, एक्टिविस्ट्स के दिलों में रेजोनेट कर रहा है। उन्होंने निशानदेही की थी कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो कौन रिस्पांसिबल होंगे, और हम उनकी आवाज़ के पीछे खड़े हैं, पूरी पार्टी जो है एक आवाज़ के साथ खड़ी है। और अगर जो हमारे बड़े सिंपल और बेसिक और वो ऐसे मुतालबात जो कि आईन जिनको गारंटी देता है, अगर वो भी उनके मुताबिक बुशरा बीबी का इलाज नहीं होता, तो फिर मेरा ख्याल है कि हालात जो हैं वो पार्टी की लीडरशिप के कंट्रोल से भी निकल जाएंगे। मैं इसकी निशानदेही करना बहुत इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। इसके साथ साथ जो मुल्क के बाकी इदारे हैं, उनका जो किरदार रहा है इस सारे अरसे में, एक्चुअली तो दो साल से बल्कि 76 साल से, लेकिन ख़ासकर इन दो ढाई महीनों में जबकि बुशरा बीबी की तबीयत भी ख़राब हुई है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। ख़ासकर जुडिशरी जो है वो स्टैंड आउट करता है। जुडिशरी इस वक्त मुल्क में इंसाफ प्रोवाइड करने में तो कुलियतन नाकाम रही है, लेकिन इंसाफ के जो वायलेटर्स हैं उनके प्रोटेक्टर के तौर के ऊपर काम कर रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ासकर इसकी सरबराही जो है वो इंतहाई तको दो से और बहुत पैशन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनके अपने माजी में बहुत कुछ छुपाने को है जो वो नहीं चाहते कि वो ज़ाहिर हो, लेकिन वो ज़ाहिर होगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी अब जो कि छुपी रहे, वो सब कुछ सामने आएगा। हमारा भी वक्त आएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की इंतकाम की सियासत जो है वो हम परसू करें। और हमारे मैनिफेस्टो जो हमने पब्लिश किया इस दफ़ा, उसमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में पूरी पार्टी बहुत सेंसिटिव है, खान साहब ज़ाती तौर के ऊपर बहुत सेंसिटिव हैं, और जैसा कि कमल ने कहा है कि बुशरा बीबी को तकलीफ़ दे के एक्चुअली खान साहब जो हैं उनको टारगेट बनाया जा रहा है, उनको उनकी पकड़ जो है वो मंसूबे का हतमी नुक्ता है। पार्टी रिजॉल्व करती है आपके सामने, तमाम लोग उनके बिहाफ के ऊपर मैं ये स्टेट कर रहा हूँ कि हम ये नहीं होने देंगे, और इसके लिए हमें जिस इंतहा तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, जिस इंतहा तक, कोई इंतहा हमारे लिए इंतहा नहीं होगी। हमें जो करना पड़ा वो हम करेंगे, लेकिन हम ये रियासत की फस्ताइयत जो है जिसका मुजाहरा लगातार दो साल से हो रहा है, लेकिन अपने वो अरूज को हमें जब हम कहते हैं कि शायद इससे ऊपर नहीं जा सकेगी तो वो उससे भी ऊपर चली जाती है। अब ने इन्होंने इंसानों को टारगेट करना शुरू किया हुआ है। हम इस प्लेटफॉर्म से एक वार्निंग इशू करना चाहते हैं हमारे जो रियासती नाखुदा बने हुए हैं उनके लिए, कि अब भी मौका है, अब भी वक्त है उनके लिए कि वो दे शुड टेक अ स्टेप बैक। अगर वो नहीं उठाएंगे, नहीं स्टेप बैक वापस लेंगे, तो फिर पार्टी के लोग जो हैं वो खुद उनको मजबूर करेंगे कि ना सिर्फ वो अपना स्टेप वापस लें, बल्कि और भी उनको उस वक्त बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि उस नैश तक हालात आ जाएं इस मुल्क में।
हम बिल्कुल उसकी वर्ज के ऊपर खड़े हुए हैं इस वक्त। हमारा पेशेंस जो है वो बिल्कुल सैचुरेट हो चुका हुआ है। इससे आगे बढ़ना जो है शायद हमारे लिए पॉसिबल ना हो, हमारे किसी वर्कर के लिए, हमारे किसी एक्टिविस्ट के लिए पॉसिबल ना हो। हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, हम बहुत कुछ उनको सह रहे हैं जो लोगों हमारे से जो अप्रोच कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हम ये स्टेप लें, ये स्टेप लें, ये स्टेप लें। पार्टी की लीडरशिप ने अभी तक एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट की हुई है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए हो नहीं सकेगी। सो मैं वंस अगेन रियासती नाखुदाओं को वॉर्न करना चाहता हूँ कि अपना घनौना फेल जो है वो ख़त्म कर दें। बुशा बीबी को हमारी डिमांड है कि बुशा बीबी को उनकी अपनी पसंद, अपनी चॉइस के हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए, जहाँ उनके अपने डॉक्टर्स मौजूद हों, जिनमें हमारा ट्रस्ट है, हमारा कॉन्फिडेंस है, जिनमें खान साहब का ट्रस्ट है और खान साहब का कॉन्फिडेंस है। ये हमारी मिनिमम डिमांड है, और अगर ये नहीं होती कबूल तो फिर हालात का जो आगे जिस तरफ हालात बढ़ेंगे उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो पीजीआई के सरों पर ना डाली जाए, फिर रियासत को वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जो रियासत को चला रहे हैं इस वक्त उनको भी वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिनके चेहरे तो नज़र नहीं आते हैं लेकिन उनके ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, जो हमारा सदर हो या हमारा चीफ जस्टिस हो, उसकी कुलियतन तकमील होती है। उनमें अगर हिम्मत है तो वो चेहरे सामने लाएं, देखना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो रियासत को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये घनौना फेल खत्म होना चाहिए, ये अब और नहीं चल सकता। सब लोगों का एहतसाब होगा, तमाम लोगों का विदाउट एक्सेप्शन एहतसाब होगा, और इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा। शुक्रिया। ये फैसला हमारा है भाई, ये फैसला हम करेंगे। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है इनके किसी जजमेंट के ऊपर, इवैल्यूएशन के ऊपर, तो वो बताइए। प्रोफेशनल आप भी डॉक्टर ले आएं किसी को और वो क्वेश्चन करें इनको, ताकि वो भी एक नॉलेज बेस्ड हो रादर देन अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। हम एक सियासी सब्जेक्ट यहाँ लेके नहीं आए, ये इंसानी सब्जेक्ट है, ये इंसान की जिंदगी का सवाल है भाई। देयर इज अ लिमिट। वही जो गवर्नमेंट के मुजरमीन कर रहे हैं वो आप बैठे यहाँ कर रहे हैं। आप इसको एक सियासी लुबादा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मत कीजिए ये काम, मत कीजिए ये काम, मत कीजिए ये काम। प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। आगे जी, नेक्स्ट वन जी, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर आसिम को उसी वक्त उनकी रिजर्वेशंस थी, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। मैं इस वक्त उनको नहीं ला सकता, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, और वो शौकत खानम को चूंकि वहाँ एक सीनियर ऑफिसर हैं इसलिए हम उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं करने चाहते, लेकिन उनकी इनपुट और उनकी जो हमारे पास मौजूद है उसकी बेसिस के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं जो आपसे कर रहे हैं। अब देखेंगे उसका वो फैसला उस वक्त होगा। पहले तो हमारी कोशिश इस वक्त ये है कि बुशरा बीबी को इलाज मिले जो उनको वो डिज़र्व करते हैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वो उनको मिलना चाहिए, पहले ये मिलना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या किया जाएगा। देखें, बुशरा बीबी साहिबा को या इमरान खान साहब को अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदारान मरियम नवाज साहिबा, शुबाज शरीफ साहब, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और जंगल का जो बादशाह है वो है, और वो ही होंगे क्योंकि उनकी कस्टडी के अंदर वो इस वक्त हैं। जी देखिए बीबी, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है।
डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब को मैंने वो रिपोर्ट दिया जो डॉक्टर आसिम साहब की इनपुट आई है, उसी की बेसिस के ऊपर इन्होंने अपना एनालिसिस दिया है। उस इनपुट में भी कहा गया है कि जी सोजन मौजूद है और जो केमिकल्स हैं उनके स्टमक में उनकी मिकदार जो है वो यूजुअल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, जो एक्चुअली एक इंडिकेशन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि कोई चीज़ अब कोई अबनॉर्मेलिटी वहाँ मौजूद है। उस एबनॉर्मेलिटी को जांचने के लिए मेरा ख्याल और जो टेस्ट है उसको रिकमेंड किया है डॉक्टर आसिम ने। अब वो टेस्ट कराते हैं या नहीं कराते फ्रेंकली ये हमें देखना होगा, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त बुशरा बीबी की सेहत जो है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जो हैं वो पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के वर्कर्स में मौजूद हैं। देखिए मैं एक बात मैं थोड़ा बता दूँ। देखिए इस तरह होता है कि आपके पास जब आप टेस्ट कराते हैं ना वो एक रिपोर्ट है, एक विंडो है, जैसे एक तस्वीर खींचते हैं, वो पूरी मूवी में एक तस्वीर है, वो क्या बताती है ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी बात बताती हो। अब आपने उसके साथ कोरिलेट करना होता है कि बाकी सारे वाक्यात को कोरिलेट करना होता है, ठीक है। अब ये जो टेस्ट हुआ है ये 2 से 2.25 महीने के बाद हुआ है, तो 2 से 2.25 महीने के बाद क्या हुआ है उस चीज़ को हमने साथ कोरिलेट करना होता है क्लिनिकली कि क्या हुआ है, ठीक है। मैं स्पेशलाइज़ किया हुआ मैंने प्लास्टिक सर्जरी में, लेकिन मैंने FRCS किया हुआ है, वो करने के लिए सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है और इसके लिए एंडोस्कोपी, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि प्रॉब्लम है। अब उसके जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक प्रॉब्लम है उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, वो लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर एक वो बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एसिडिटी उस वजह, वो भी हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये दूसरी जो इंजरी है ये किसी और वजह से ना हुई हो। अगर आप 2.25 महीने का वेट करते हैं तो बाज़ दफ़ा चीज़ें अपने आप को हील भी कर रही होती हैं। अगर ये चीज़ सामने ना होती है, हमने ये आवाज़ ना बुलंद की होती है, इतना हु हा ना किया होता, तो वो तो अपनी तरफ से लगे हुए थे, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको इस बात को आवाज़ उठानी पड़ती है कि यहाँ पे फाउल प्ले हो रहा है, और फिर वो उन्होंने इतना टाइम दिया। सवाल उठाता हूँ कि उन्होंने 2.25 महीने क्यों डिले किया, मेरा सवाल उठता है कि 2.25 महीने क्यों डिले किया, उसी दिन करा लेते ना। अगर उसी दिन कराते और यही टेस्ट होता तो आज हम ये कहते कि हाँ शायद कोई और वजह है जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं। तो एक सेकेंड जी कंवल, आपने कुछ कहना था। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कतर से ना एम्बुलेंस मंगाई है, ना उनके किसी खानदान, ना उन्होंने तिमारदारी के नाम पे उन्होंने उनके किसी खान साहब को जो है वो जमानत दी गई है कि जी मैंने तो इनकी तिमारदारी करनी है और इनके लिए कतर से एम्बुलेंस आएगी और इनको हम बाहर भेज रहे हैं। ना बुशरा बीबी ना इमरान खान साहब इस मुल्क से कोई डील करके जाना चाहते हैं। ये याद रखिएगा कि डॉक्टर अदनान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 90% शरियाने दिमाग की बंद, किडनीज का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, हम ये रोना यानी रो रहे बैठ के, और ना उनकी बेटी की तरह हम कह रहे हैं कि हमने तिमारदारी करनी है तो मुझे ज़मानत दे दो, तो 4 साल तक ज़मानत ही ख़त्म नहीं हो रही है। हम यहाँ जेन्युइनली बता रहे हैं कि उनके सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो रहे, उनकी तकलीफ़ बढ़ रही है, और अगर 2-2 दफ़ा उसी हॉस्पिटल पिम्स से अगर एम्बुलेंसेज आ रही हैं और उनकी तकलीफ़ जो है वो बाहर आके नहीं बताई जा रही, तो दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है, फिर वो उन रिपोर्ट्स को चेक करना चाहिए। कि एंडोस्कोपी कहाँ से हो रही है, वो सोर्स जहाँ एंडोस्कोपी हो रही है वो कितनी क्रेडिबल है, क्या हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे एंडोस्कोपी के वो ठीक होंगे या वो टेम्पर्ड होंगे, जैसे इन्होंने अपने रिजल्ट टेम्पर करवाए थे जब इनके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे थे, उसको मेरा ख्याल है शोज़ा बहुत अच्छा बयान कर लेती है मुझसे। ओवर टू यू। देखिए वही वाली बात है कि मैं आज जो टेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको एक उसकी रीडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये आज के दिन का है, ये आज का दिन है जिस दिन मरीज़ ने आपको कंप्लेन किया। मैं मिसाल देता हूँ, मुझे हार्ट अटैक होता है, अगर